नमस्कार, मैं राकेश पटेल, रेट्रो एग्री सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, गुजरात। आज हम आए हैं मध्य प्रदेश। यहाँ पे लगा है माइसमती 44 का मिर्च। उसकी क्या विशेषताएं हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले देख लो, पूरा रोग मुक्त पौधा है। इसमें बहुत ही कम बीमारी लगती हैं। फार्मर ने मिनिमम स्प्रे किए हुए हैं, अभी तक 3 स्प्रे उन्होंने किए हुए हैं, ठीक है। और आप इसका देख सकते हो फ्रूटिंग बियरिंग, मतलब कि लागत कैसी लगती है। एकदम नजदीक नजदीक थोड़ा सा नीचे से मैं व्यू देता हूं। कोई भी पौधा ले लो, इसका फ्रूट बिल्कुल डार्क ग्रीन। अभी फार्मर ने ऑलरेडी एक कटाई कर दी है, ये दूसरी कटाई का है। मैच्योर का भी कलर देख सकते हैं आप। तो ये वेराइटी का नाम है माइसमती 44। देखो कितना शानदार कलर है, आप देख सकते हैं फील्ड पूरा। इसमें मैंने आगे बोला बहुत ही कम इसमें रोग आते हैं। एकदम रोग मुक्त पौधा रहता है, पूरे पत्ते खुले रहते हैं। आप इसकी नई फुटान भी देख सकते हैं, एकदम क्लीन आती है। कोई भी पौधा ले लो आप, उसका फ्रूटिंग देखो। तो फिर से मैं बोलता हूँ, ये वेराइटी का नाम है माइसमती 44। हरा हो या लाल, पाक बेमिसाल, चूक न जाना, माइसमती 44 ही लगाना। किसान भाइयों, कोई भी पौधा ले लो आप, उसका फ्रूटिंग देखो, बहुत ही खुश हो जाओगे। ये जो फार्मर है, पिछले साल अलग वेराइटी लगाई थी, इस बार उन्होंने माइसमती 44 लगाया है और आज एकदम खुश है। ये कम से कम 90 से 100 डेज के बीच में की ये फील्ड है। इसकी फल की लंबाई भी बहुत अच्छी आती है, बीच में से थोड़ा सा मोटा होने की वजह से वेट भी अच्छा पकड़ता है। फार्म का कहना है कि एक बैग का वजन 50 किलो से लेकर 52 किलो तक का रहे।